भाई साहब, जिस तरह से लगातार चुनाव प्रक्रिया चल रही है, ऐसे में क्या दिखता है कि कांग्रेस इस बार अपनी कितनी सीटें यहाँ पर पूरे हरियाणा में? तो हरियाणा में हम, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, मैं आज पूरे दिन राज बब्बर जी के साथ था और गांवों में था और शहरों में भी था, पाउडू शहर में भी थे, लोगों में इतना उत्साह है। हमारे 10 प्रोग्राम थे, 10 की जगह 18 हो गए। इसी तरह से रोज़ राज बब्बर जी के 20 प्रोग्राम होते हैं, 28 हो जाते हैं, 30 हो जाते हैं। लोगों में इतना उत्साह है उनको बुलाने का, और जो रिपोर्ट मिल रही है 10 की 10 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। अभी बात कर रहे थे, अभी देखिए वो तो आपको पता ही है कि सरकार तो अल्पमत में आ चुकी है और चूंकि इनकी केंद्र में सरकार है, 4 जून के बाद वो भी फैसला हो जाएगा, क्यों चिंता कर रहे हो? तो कितना क्या लगता है कि अभी सरकार किस तरह से अपना, जो जिस तरह से बातचीत कर रही है, ऐसे कह रही है कि जो कांग्रेस सरकार के नुमाइंदे हैं वो बौखला चुके हैं, राहुल गांधी जो है वो बौखला चुके हैं, वो मोदी को चुनौती दे रहा है कि कहते हैं डेबिट करी जाए लोगों के बीच में बैठ करके, क्या लगता है जो लोग मंगलसूत्र की बात करने लगे बौखलाए वो हैं, जो लोग अदानी अंबानी हमें पैसा भेज रहे हैं बौखलाए वो हैं, या हम? आप जो पूरे टाइम, पूरे 10 साल अदानी अंबानी के साथ जिस सरकार ने गुजारे हों, वो आज हमारे ऊपर ही झूठे आरोप लगा रहे हैं, मंगलसूत्र की बातें कर रहे हैं, धर्म जात की बातें कर रहे हैं, विकास के नाम पे उनके पास कोई शब्द नहीं है, केवल छलावा है। छलावा उनका खत्म हो चुका है, जनता जान चुकी है। लोग क्योंकि भैसे लोग ओपनली नहीं बोलते हैं, 4 जून को आपको रिजल्ट दिख जाएगा। खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, कहावत सुनिए, बाकी मैं ज़्यादा नहीं जानता क्योंकि मैं अपने चुनाव में हूँ, लेकिन ये वाकई इस तरह का बयान अगर कोई लोग दे रहे हैं तो जो मैं आपकी खबरों से सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ उसमें हरियाणा की जो सरकार है आज की तारीख में अल्पमत में है, और अब बातें वो कुछ भी करें मुझे उसके बारे में डिटेल नहीं पता। सर लगातार अब बातचीत छिड़ती जा रही है क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, चुनाव पता नहीं उनको शायद ऊपर वाले ने इल्हाम दिया होगा या नीचे उनके पास में कोई नीचे कोई चाबी होगी जिससे वो कुछ सोच रहे होंगे कि हो जाएगा। सर आज आप पंजाबी कमेटी के लोगों के पास पहुँचे, नए ऑफिस का भी उद्घाटन किया, कितने सर देख रहे हैं कि लोगों का सहयोग आप लोगों को कितना मिल रहा है? क्योंकि देखिए मैं किसी बिरादरी जात या धर्म मजहब की बात नहीं करता, मैं गुड़गांव क्षेत्र की बात करता हूँ। गुड़गांव क्षेत्र में जो 20 सालों से एक रुका हुआ जो विकास का फैसला है उसके खिलाफ जो आज गुड़गांव की जनता वोट देने जा रही है। सर आखिरी सवाल की मोदी जी, ये राहुल जी तय करेंगे हमारे यहाँ से, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अगर राहुल जी, अगर मोदी जी तैयार हो जाएं तो राहुल जी पूरी तरह से उनके सामने बहस कर सकते हैं, पर फिर भी ये फैसला उठा हुआ। थैंक यू।